एक और जहां राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अबू आवास योजना के तहत कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और लाभुकों के बीच पत्र का वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के 8 नाराज विधायक अभी भी दिल्ली में हैं। आलाकमान से अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है और सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि क्या बजट सत्र के दौरान 8 नाराज विधायक सदन आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो लोग बजट सत्र के दौरान सदन नहीं आएंगे। इसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि बजट सत्र जो है एक सरकार के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, और अगर 8 नाराज विधायक सदन नहीं आते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर 8 नाराज विधायक बजट सत्र में नहीं आते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि JMM में भी कुछ विधायकों में नाराजगी है, वैद्यनाथ राम तो खुलकर सामने हैं जब से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि चूंकि ये बजट सत्र है तो ये महत्वपूर्ण सत्र है और इसमें जो बजट पर कोई अमेंडमेंट आता है या मान लीजिए कि वहाँ पर जो वित्त विधेयक जिसे आप कहते हैं उसे पास कराना है, तो एक तरह से आप फिर से शक्ति परीक्षण के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। तो अगर विधायक बजट सत्र में नहीं आते हैं तो ये परेशानी का सबब जो है ये हो सकता है। 8 विधायक वहाँ हैं, अब इनकी संख्या क्या और बढ़ सकती है ये भी एक सवाल है। पहले ये 12 कहे जा रहे थे, अब 8 जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, कुछ JMM के विधायक हैं, तो अगर ये सब मिल जाते हैं तो फिर सरकार के लिए जो है परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन देखिए, ये जो समस्या है ये टोटली अगर आप देखें तो ये महागठबंधन के अंदर जो है वो उसका अंदरूनी झगड़ा जो है वो दिखता है, और चूंकि अब अगले विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो अगर आप विपक्ष की ओर देखें तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पर सरकार बनाने में हो नहीं सकता, क्योंकि अब उतना समय जो है वो है नहीं कामकाज के लिहाज से, खास करके कि ये बजट सत्र होगा उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा तो फिर आचार संहिता वहाँ पर लागू हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ दिन का वक्त मिलेगा और फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता तो नहीं है कि अब कोई और सरकार बनाने का प्रयास किया जा सकता है अगर कुछ भी होता है तो, लेकिन सरकार के लिए ये मुश्किल होगा कि उन्हें अपना बजट भी पास करवाना है। इसलिए इन नाराज विधायकों को जिनकी की संख्या 8 बताई जा रही है जो कि दिल्ली में है, कुछ से आपकी बातचीत भी हुई है, तो वहाँ पर उनके साथ किस तरह से डील किया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो सूचना आ रही है उसके अनुसार जो आला कमान है वो मंत्रियों को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और ये बातें इन्हें समझाई जा रही हैं और इन्हें कहा जा रहा है कि अब आप जाइए, लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी करवाइए, वहाँ पर पार्टी को जिताइए। ये बातें वहाँ पर अब इनसे कही जा रही हैं। अब देखना है कि ये विधायक यहाँ से इतने पर मान पाते हैं या नहीं। जो उमंग सिंगार हैं जो कि मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के हैं, पहले झारखंड के सह प्रभारी रह चुके हैं, वो वहाँ पर हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विधायकों से अपने पर्सनल रिलेशन की दुहाई दे रहे हैं, और उसके आधार पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब देखना है कि अब इसी में देखिए, ये जो होते, चाहे आप GA मीर की बात कर लीजिए या उमंग सिंघार की बात कर लीजिए, ये एक तरह से इनकी भी परीक्षा होती है कि क्या कितना संतुष्ट कर पाते हैं वो इन्हें, और ये कितने संतुष्ट होकर वापस लौटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो है कि 8 विधायकों के वहाँ रहने से और फिर यहाँ बजट सत्र बल्कि अब शुरू होने जा रहा है 23 तारीख से, अगर विधायक नहीं मानते हैं तो क्या होगा, क्योंकि विधायकों ने तो ये कसम खा ली है कि जब तक आला कमान इनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे ये लोग दिल्ली से रांची नहीं आएंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या हो सकता है, क्या लगता है। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जब होता है बहुत हो सकता है, मुझे लगता है कि आला कमान से मिला दिया जाएगा। अभी जो है आला कमान से इनकी मुलाकात हो नहीं पाई है, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो डील है वो GA मीर और उमंग सिंघारी कर रहे हैं, तो अब जो है आगे उन्हें शीर्ष नेतृत्व से मिलवाया जा सकता है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यही किया जा सकता है, और उसके बाद ये देखता है आला कमान कि हाँ इनकी मन स्थिति क्या है, क्या वो मानने वाले हैं या और कुछ जो है करना पड़ेगा, तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल जो सूचना है वो यही है
कि आला कमान यहाँ जो चार मंत्री बनाए उन्होंने उन्हें बदलने के मूड में नहीं है। अब वो जो 12वें मंत्री का जो पद खाली है, अब अगर उस पर कुछ बातें बन सकती हों कांग्रेस के लिए तो उसमें जो है इन 12 में से किसी एक को जो है मौका दिया जा सकता है, अन्यथा मुझे लगता है कि आला कमान मिलकर इन्हें कहेगा कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए, आगे हम देखेंगे। ऐसे भी करिश्मा बोर्ड निगम होते किस लिए हैं, तो उसमें भी तो अध्यक्ष का पद होता है, तो वहाँ जो है संतुष्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता ऐसा ही कुछ निकलेगा। तो देखिए, इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली में, उनके मन में सिर्फ यही सवाल है कि आलाकमान से मुलाकात करेंगे तो आलाकमान की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है कि कब कांग्रेस के 8 विधायक आलाकमान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के 8 नाराज विधायक बजट सत्र के दौरान सदन आएंगे या फिर उनकी नाराजगी जो है उस वक्त भी देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत, नमस्कार।